Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for NMAT 2022 exam, because in this video I'm going to discuss one very important question on PNC. आपको पता है guys, permutations and combinations and probability, ये दो question, ये दो type chapters जो हैं ये NMAT में काफी ज्यादा frequently पूछे जाते हैं. तो आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने वाला है. गाइज जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो. लाइक करने से वीडियो पर जाएगा, काफी लोग घर पर जाएगी, बस काफी लोग सेल्फ स्टडी करते हैं. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. गाइस हम लोग के चैनल पे 200 से ज्यादा कंटेंट बेस्ड वीडियोस हैं, तो आपको और वीडियोस ही मिलते रहेंगे, तो जरूर से सब्सक्राइब है, लाइक कर दो. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस हम लोग का मैट का टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर लेना, आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं यहाँ पे, एंड क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं पोल बेस्ड, तो आपको काफी हेल्प होने वाली है. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 8 डिजिट इवन पैलिंड्रोम नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 to 9. हमको 8 डिजिट के इवन पैलिंड्रोम नंबर्स बनाने हैं. पहली बात, पैलिंड्रोम होता क्या है? पैलिंड्रोम मतलब होता है अगर कोई नंबर को आप लेफ्ट टू राइट रीड करो या राइट टू लेफ्ट रीड करो, एक ही दिखेगा. जैसे 121, यहाँ से भी 121, यहाँ से 121, ये आपका होता है पैलिंड्रोम. 1 2 3 2 1, ये होता है पैलिंड्रोम. 1 2 3 2 1, यहाँ से भी रीड करेगा, यहाँ से भी रीड करेगा, तो इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर्स. प्लस एक बात समझ लो, पैलिंड्रोम नंबर्स बनाओगे ना अगर, तो रिपीटेशन तो होना ही होना है, लिखा नहीं रहेगा, रिपीटेशन तो हो गया रहेगा. बिना रिपीटेशन के पैलिंड्रोम बना ही नहीं सकते आप, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस प्लेस पे एक ही नंबर आना चाहिए ना, बात ये. तो 8 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर जो है 5 6 7 8, 8 डिजिट में आपका क्या होगा, 4 4 डिजिट कॉमन रहेंगे, मतलब फर्स्ट डिजिट जो होगी लास्ट डिजिट बराबर होगी, सेकंड डिजिट जो होगी सेकंड लास्ट बराबर होगी, इस ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, तभी बनेगा पैलिंड्रोम. तो गाइस ऐसे क्वेश्चन से करना क्या होता है आपको, आपको बस एक साइड को अरेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज रहेगी वही चीज यहाँ पे आने वाली है, ठीक है, समझना पड़ता है. तो आपको बस इन चारों को अरेंज करना है, बस लास्ट के चारों, आगे के चार अपने आप अरेंज हो जाएंगे, वो सेम ही चीज है. अब देखो गाइस, 0 से 9 में इवन पैलिंड्रोम बनाने हैं, लास्ट डिजिट में इवन होना चाहिए. इवन क्या क्या नंबर्स होते हैं, 0 2 4 6 8, ये 5 डिजिट इवन है. बट गाइस आप बताओ कि लास्ट डिजिट इवन हो सकती, 0 हो सकती है क्या? 0 नहीं हो सकती. क्यों? अगर लास्ट डिजिट 0 होगी तो आगे की भी 0 हो जाएगी, और अगर हमने आगे के डिजिट को 0 कर दिया तो वो नंबर 8 डिजिट नहीं होगा. तो हमारे लास्ट में ऑप्शंस कितने हैं, 4. यहाँ पे 2 4 6 8 में कुछ आ सकता है. यहाँ पे क्या ऑप्शन है, 0 से 9 तो सारे ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है. यहाँ पे भी 10 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 10 ऑप्शन, और यहाँ पे आपका 1 1 1 हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे वही यहाँ पे, तो आपको अरेंज करना ही नहीं है उसको, तो लास्ट चार को रेंज करना. तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 10 × 10 × 10, 4000 आ गया. ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है स्नैप एंड मैट में, ठीक है. तो आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा आपने, ठीक है. बाकी एक प्रॉपर वे में तैयारी करो गाइस. एंड मैट में सबसे ज्यादा इशू जो आता है कट ऑफ में, वो क्वांट्स में ही आता है, और क्वांट्स को आपको बहुत अच्छे से डिटेल में करना पड़ेगा, सारी वैरायटी कवर करनी पड़ेगी. जिसका क्वांट्स अगर अच्छा नहीं जा रहा है, जिसका मार्क्स नहीं आ रहा है, बेटर है गाइस कि अपना आप रीशेड्यूल करा लो, आगे करा लो, क्योंकि ऐसे नंबर कम आगे देने से फायदा नहीं है, ठीक है. बिकॉज अगर 235 प्लस नहीं आया दिक्कत हो जाएगी. और वही है कि मॉक्स आप दे रहे हो, मॉक्स देके एनालाइज करो, बट जिन लोगों को ज्यादा इशू लगता है खाली मॉक्स वगैरह से इंप्रूवमेंट नहीं होगा बहुत ज्यादा, आपको चैप्टर बाई चैप्टर को ढंग से पढ़ना पड़ेगा. तो गाइस इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ डेडिकेटेड कोर्स फॉर एनमैट स्नैप या स्नैप या ओनली एनमैट, देन यू कैन चेक आउट अवर कोर्स. ये कोर्स एक्सट्रीमली डिटेल्ड है, इन द सेंस कि यहाँ पे हमने लाइव क्लास जो कराई है वो बहुत ही डिटेल मैनर में कराई हुई है. पीएनसी प्रोबेबिलिटी की टोटल मिला के 11 से 12 क्लासे हुई. स्नैप की आपकी जो क्लासेस हैं, सॉरी जो नंबर्स की, वो 13 14 क्लास है. तो हम लोग क्लास में ही सब कुछ करा देते हैं. हम लोग का मेन मोटिव क्या होता है, क्लास सब कुछ हो जाए. तो गाइस हम लोग का 28 अक्टूबर से फर्स्ट बैच का PYQ डिस्कस करने वाले हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन. कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन स्नैप के वाले हो जाएंगे, और बाकी जो क्लासेस हो चुकी हैं, फर्स्ट बैच का सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी. सेकंड बैच में कुछ चीजें बची हैं, तो इस टाइम पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से फोकस करना है, प्लस लाइव क्लासेस जो हो रही है वो करनी है, और PYQ डिस्कशन सारे करने हैं. क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल सकते हैं PYQ से, वो 250 300 क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए. तो गाइस हम लोग का जो कोर्स है ये हमारा स्नैप का कोर्स 5000 का है विद GDPI, एंड विदाउट GDPI ये 4000 का है. एंड मैट का कोर्स भी यही है, एंड मैट प्लस में दोनों का सेम ही चीज है. एंड मैट प्लस में दोनों लेना, अगर आपको एंड मैट में दोनों लेना है तो कॉस्ट हो जाएगी 6000 एंड 5000. 6000 विद GDPI, खाली GDPI अलग से लोगे वही आपको 3000 से कम का नहीं मिलेगा,
ठीक है, एंड एडमिट साहब के मॉक्स हम लोग 2000 के, तो 5000 तो यही हो गया, 6000 का यू आर गेटिंग कंप्लीट कोर्स, टॉपिक टेस्ट सब कुछ, ये आपका 5000 का हो जाएगा दोनों एडमिट साहब। बाकी गैस हम लोग का भी नया बैच स्टार्ट हुआ 12 अक्टूबर से, सीमैट टेस्ट एसआरसीसी का, बिल्कुल स्क्रैच से जीरो से स्टार्ट है, हर चीज कवर्ड है, आई सेक्शन जीके सेक्शन सब कुछ अच्छे से कवर्ड है, लाइव क्लासेस, फुल लेंथ मॉक्स, टॉपिक टेस्ट, पीवाईक्यू डिस्कशन, जीडीपीआई क्लासेस आपकी 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को ओरिएंटेशन हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाकी आप देख सकते हो 9 फाइनल कन्वर्ट्स इन एसआरसीसी, 31 सीट्स में से 9 लोग फाइनली एडमिट हो गए हैं, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। गाइस इफ यू आर लुकिंग फॉर मॉक्स, तो बहुत ही रिलेवेंट मॉक्स हैं स्नैप के एंड मैट के, एंड मैट स्नैप के मॉक्स 1100 के हैं, 15 मॉक्स एक्सट्रीमली रिलेवेंट, एंड मैट के मॉक्स भी काफी रिलेवेंट है गाइस, हम लोग के 12 मॉक्स 1100 के हैं। एंड मैट में क्या हो रहा है कि गाइस पैटर्न तो हमेशा सेम रहता है, इस बार एंड मैट में 2 RCs आ रहे हैं, कहीं कहीं अभी तक 2 RC आए, हम लोग के पोर्टल में 3 RC थे, बट मैंने आपको बोला था कि एंड मैट ऐसा करता है स्टार्टिंग में 2 RC देगा बाद में बढ़ा देगा, बट स्टिल कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ RCs 2 के हो जाए, तो हमने डिसाइड किया है कि 6 मॉक्स में आपको 2 RC करा दिए जाएंगे, 6 मॉक्स में 3 RC रहेंगे, तो ये सारे चेंजेस जो होंगे 6 मॉक्स के मैक्सिमम 26 अक्टूबर तक हो जाएंगे। बाकी मॉक्स बहुत रेलिवेंट है, ठीक है, अच्छे से एनालिसिस करो, काफी सीखोगे, एंड मैट प्लस स्नैप कॉम्बो को इकोनॉमिकल पड़ेगा, 2000 के ये हो जाएंगे, ठीक है। चलो गाइस बाकी गाइस हम लोग का दिवाली ऑफर भी आ सकता है, ठीक है, कोर्स में मॉक्स में मेनली, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो, चैनल को चैनल अपडेट हो जाएगा जो भी आएगा, ठीक है, या तो मुझे इंक्वायर कर सकते हो कोई ऐसा अगर है, ठीक है। बाकी रिव्यूज आप खुद दे सकते हो टॉपर्स के, उन्होंने खुद ही आके पिंग किया है, ठीक है, रेलिवेंसी और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, कंप्लीट नॉन कैट कोर्स जो है बैच 3 का, ये मतलब इसका मतलब ये बार ले लिया तो आप अभी से लेकर सीडी से सब कुछ आपका हो गया, 9000 है सब कुछ, कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज सारे एग्जाम्स का, सारे एग्जाम कोर्स है सब कुछ, ठीक है, ये आपके रिजल्ट्स हैं देख सकते हो, ठीक है। चलो गाइस सो ऑल द बेस्ट, ये नंबर यू कैन इंक्वायर एट दिस नंबर फॉर डेमो वीडियोस रिव्यू सब कुछ, अगर कुछ अगर आपको गाइडेंस भी उसके पूछ सकते हो आप, ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।